श्री वाहे गुरु। फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। कबीर जम काठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहे आ जाए, एक जो साधु मोहे मिलियो तिन लिया अंचल लाए। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। हाजरियां भरन वास्ते पहुंचे हाँ, आओ गुरु पातशाह दे चरणा विच सारी संगत रल के अरदास करिए। हे मालक, आप जी ने समा बख्शिश कीता है,
पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कहनी करनी दे पूरे समुची मनुखता दा भला करन वाले संत बाबा अमरदास जी महाराज उना दी याद विच जुड़न दा सुभागा समा बख्शे है। ये जिन्ना क समा अपने कोल है ये भी भगती दे रूप विच उस मालक दे लेखे लगे। जदों धारना गाई जाती है शब्द गाया जाता है जेड़े बोल सकते हो सुर बेसुर ताल बेताल जिदा भी हो सकता नाल बोल के अपनी रसना सफल करो ते बाकी बैठ के सुनो गाउण वाले भी सुनण वाले भी जेड़े गुरुआं दे बचना नाल गुरबाणी नाल अपना मन चित जोड़ लैणगे उन्हां नूं परम गति जरूर प्राप्त होनी है। आखो सतनाम। आओ सच्चे पातशाह दे चरणा विच अरदास करिए कि हे मालक साधु संत महात्मा सारी सत्कार योग ने किसे भी भेखदा है जिन्नी कु मालक ने उन्हों समर्था बख्शी उन्हां को संसार दा भला करे। पर इहो जे पूर्ण महापुरख संत बाबा अमरदास जी वर्गे बाबा वीरमदास जी महापुरख वर्गे संत ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले हरनाम सिंह जी महापुरख पुजो वाले होर भी बेअंत महापुरख जेड़े संसार का भला करते हैं इहो जे महापुरखां का मेला सच्चे पातशाह हुण भी करवाए क्योंकि हुण समा कलयुग दा है। पहली गल तो ब्रह्म ज्ञानी लभदा ही कोई नहीं गुरु जे लब जे तां आपां नूं उहदी पछाण नहीं आउंदी। मालक कृपा करे रब्बा फिर भी कराई कदे मेला रब्बा फिर भी कराई कदे मेला एहो जे प्यारिया फिर भी कराई कदे मेला एहो जे प्यारिया फिर भी कराई कदे मेला एहो जे प्यारिया रब्बा फिर भी कराई कदे मेला एहो जे प्यारिया फिर भी कराई कदे मेला एहो जे प्यारिया फिर भी कराई कदे मेला एहो जे प्यारिया जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे तेरा नाम चित आवे मिलियो ना प्यारिया जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे मिलियो ना प्यारिया जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेत आवे
तेरा नाम चित आवे मिलियो ना प्यारू जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे मिलियो ना प्यारू परम सम्मान योग युग युग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजिरी भर रहे हो अज आपां सारे नगर कोटली जिला रोपड़ दा नगर कोटली जिथे के संत बाबा अमरदास जी महापुरखा ने इस नगर नू पूजन योग बनाया है। सो संत बाबा अमरदास जी दी अकाठवीं सलाना वर्षी दे संबंध विच आपां सारे एकत्र होए हाँ। सो पिछले तीन दिनों तो ला के सरबत दे भले वास्ते नाम बाणी का प्रवाह चल रहा है। साढ़े जथे तो पहला गुरु घर तो वरसाए हुए कीर्तनीय कथावाचक अनेक ही संत महापुरखों तो आप जी ने गुर इतिहास गुरबाणी की महिमा सरवण की। साढ़े जथे की भी हाजरी करो प्रवान जिथों तक आवाज पहुँचती है सब माई भाई आप रल के दसे गुरुआ पंद्रह उन्होंने महापुरखों जेड़े भगत सन पर भगती करके गुरु के रूप हो गए। अनेक ही संत महापुरखों नतमस्तक होंदे हुए हाजर नाजर समझ के हाजरी लवायो सारी संगत प्रेम नाल बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत वड्डे भाग हन भाई जेड़े हुण कलयुग दे समय विच भी सेवा ते सिमरन नाल जुड़ जान। ब्रह्म ज्ञानी कहनी करनी दे पूरे संत बाबा अमरदास जी जिन्हां दी याद विच आपां जुड़े हाँ इहो जे महापुरखां वास्ते पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कुछ निशानियां दसियां जिमें शुरू च बेनती की है ना भी पहली गल तो ब्रह्म ज्ञानी लभदा ही कोई नहीं गुरु ते जे लभ जे तो अपनिया सोचां दे विच साड़ी देखनी दे विच सुन शक्ति दे विच इन्ने क शंके पै गए आपां तो पछाण नहीं होनी गुरु ये साड़ी सोच समझ तो परे दीयां गल्लां। जे अपनी सोच समझ ते मत कामना ना करे कोई राह ना लभे हुण की करिए ता एक गल पल्ले बन्नियो तुसी भी ते असी भी जदों किते भी कोई हीला ना होवे कोई राह ना लभे उलझ जाइए ता इको एक द्वार है गुरु ग्रंथ साहिब दा इन्हां दे दर ते आके झुक जो
मेरे मालक राह दिखाउंदे आ आखो सतनाम। महाराज सच्चे पातशाह सानू राह दिखाउंदे आ, पता की दसे है? कहंदे दुनिया वाले ओ लो थोनू ब्रह्म ग्ञानी की पछाण दसदे आ। वैसे तो ब्रह्म ग्ञानी आप ही परमात्मा है, पर परमात्मा विच जिहड़े गुण है उन्हां गुणां नू जे कोई मनुख अपने विच ले आवे ना, वह भी फिर परमात्मा दा ही रूप हो जांदा है। आखो सतनाम। गुण की ने? महाराज कहिंदे मन साचा मुख साचा सो। कहिंदे मन विच भी सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु वसे, सच होवे ते जो बचन मुखों बोलने है वह भी सच्चे ही बोले। मन सच्चाई होवे, मुख ते भी सच्चाई होवे, जदों देखना है उदों भी अपना बगाना नहीं देखना। थोड़ी डिलेट करो। महाराज कहिंदे मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा एक सुबिन कोई। कहिंदे जदों भी वेखना है हर थां ते इको एक परमात्मा नूं ही वेखना है, अपने आला काम नहीं। इत्थे जे तां आप दी मत दे बंदे बैठे होण फिर तां चंगा चंगा कहांगा, जे कोई अनमतिया जां दुश्मन बह जाए फिर गल्लां ही उहे जिहियां कहांगे, अगले नूं बैठना मुश्किल हो जांदा है। पर गुरु घर दा असूल सुन लिओ, आ चलदा शब्द दा लंगर। पाठ करदे होवो, कथा कीर्तन दी सेवा महाराज करवा ले, कीता नहीं जा रहा, हो रहा उहदी कृपा नाल। चाहे लंगर वरताउंदे होईए, देग वरताउंदे होईए, इस वेले सामने जे दुश्मन भी आ जाए उदों उहनूं दुश्मन नहीं वेखना। आखो सतनाम। हाँ जे हुंदा होवे जंग युद्ध उत्थे तां फिर आ हुण लंघे ही आ दिहाड़े, साहिबजादियां दी शहीदी होई जदों साहिबजादा जुझार सिंह गए ना जंग नूं। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब कहिंदे जुझार सिंह जी तुसीं तां कितें जंग लड़िए ही नहीं, अजीत सिंह तां चलो जंगा युद्धां च जांदे रहिंदे सी, पर थोनू असूल दसदे आ। कहिंदे किसे नू हथियार ना फड़ाइए आप दा, जंग च वसा तां करिए ना बाप दा। आखो सतनाम। जंगा युद्धां च करो जो हुंदा, पर आ जिहड़ा शब्द दा लंगर चलदा है जां गुरु का लंगर, प्रशादा दालां सब्जियां होर पकवान देग प्रशाद वरताउंदे होईए, इत्थे दुश्मन भी मूहरे आ जाए उदों उहनूं दुश्मन नहीं वेखणा। आखो सतनाम। असूल हुंदे आ गुरु घर दे। ताही तां देखो भाई कन्हैया जी दी शिकायत कुछ सिंघां ने कीती सी, महाराज असीं साडे नाल जिहड़े लड़न आए आ उहनां नूं मसां फटड़ करके धरती ते सिटदे आं, ते कन्हैया सिख है जिहड़ा उन्हां नूं पानी पिया पिया फिर साडे नाल लड़न लई तैयार करी जांदा। पर जदों गुरु पातशाह ने बुला के पुछया, भाई कन्हैया जी कहिंदे जी मैनू ना तां कोई सिख दींदा ना कोई मैनू अपना दुश्मन जां मुगल दींदा, जिधरों आवाज आउंदी आ हाए पानी जदों मैं उधर तकदा मैनू तां सारियां विच थोड़ा ही रूप दिखदा। आखो सतनाम। ते सच्चे पातशाह की दृष्टि देखो फिर, जेडे पंजवें जामे च बचन कहे है ना भी मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा एक सुबिन कोए, वह बचन पूरे भी किते। कहिंदे भाई कन्हैया जी जे थोड़ी अवस्था ये बन चुकी है, आ लो फिर जिथे पानी पिओने हो जल छकाउने हो ना मलम पट्टी भी लै जो नाल ही करी चलो। आखो सतनाम। आ ब्रह्म ज्ञानियां दे लक्षण गुरु, मन साचा मुख साचा सोए,
अवर ना पेखा एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी है। लिखाण नूं तां मेरे अर्गा भी लिखा लूंगा, कले लिखण पिछे नहीं है। महाराज कहिंदे ये ब्रह्म ज्ञानियां दे लक्षण ने भाई, जिन्हां ने परमात्मा बारे जाणिया। आखो सतनाम। सो आओ संत बाबा अमरदास जी महापुरुष, उन्हां दा जीवन आपां विचार करांगे। पर पहला जो ब्रह्म ज्ञानी दी विचार चली है, नू समझ लियो, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। इथों अष्टपदी शुरू हुंदी। आपां कहिंदे आ ना बाबा जी ब्रह्म ज्ञानी सन, पर ओह क्यों कहा जांदा है? एवें नहीं दुनिया पूजदी। 273 अंग ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु अर्जन देव महाराज बाणी लिख के गए हैं। ते नाले जेड़ी विचार थोड़े ना सांझी करन लगा ना, इनू कहा जांदा है सुखमनी साहिब। ये क्यों है सुखमनी? बाणी तो सारी सुख दिंदी है, पर ओ तां जे बाणी नू समझ के उदां दे बणांगे गुरु। पर इहनू सुखमनी साहिब तां कहा, महाराज कहिंदे जे स्वास स्वास सिमरन नहीं करन दा समा तेरे कोले, मन ला नहीं परमेश्वर चेते रहिंदा, पर 24 घंटियां चो समा कढ के एक बारी सुखमनी साहिब दा पाठ कर लई, तेरे 24,000 स्वास 24 घंटियां दे लेखे लग जाणगे। आखो सतनाम। लो ब्रह्म ज्ञानी बारे सुनो, महाराज की दसदे हन। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। अष्टपदी दे विच महाराज कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी है ना जेड़ा सदा निर्लेप हुंदा है। निर्लेप समझदे हो? जिन्हों किसी चीज का लेप ना हो। भाव ये नहीं जिमें आपां मान लो चंगे बंदियां कोले बह के बड़ा जी जी करांगे, कई अमृत भी छक लेंदे आ संगत करके, गुरु वाले भी बन जांदे आ, पर जदों माड़ी संगत मिल जाए उदों उधर बदल लगे भी मिंट लाउंदे आ। ये सानू महाराज ने वड्डी ताकत दित्ती। एक बारी आनंदपुर साहिब भाई उदय सिंह वर्गिया ने शेर मार लिया। गुरु शेर जदों मार के लिया उहदी खल लाती, ते कुदरतों ही घूमदा घुमाउंदा कोई गधा आ गया सिंघां दे हत्थ। मेरे सतगुर ने शेर दी खल गधे ते मड़ती चंगी तरह, ते उहनूं खुल्ला छड्डता रात नूं। ते जदों दिन चढ़िया जिहड़े मत्था टेकणा उहनूं देख के पिछे ही मुड़ जाण वी मूहरे तां शेर फिरदा। तो डरदे सी लोग, कई अंदरों माड़े दिलां वाले बाहर जाण वो भी मुड़े आउण। महाराज कहिंदे की गल वी? कहिंदे सच्चे पातशाह दरबार साहिब दे मूहरे शेर घूमदा फिरदा, जे थोड़ी आग्या होवे फिर इहदा कर दईए शिकार। महाराज कहिंदे हजे नहीं दसांगे तुहानूं, हजे इहदा समां नहीं है। गल मुका दिआं क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का जिक्र चलदा। तीन चार दिन ना तो शिकार किया, तो वह खा खा के ना घा पूरा फिट गया गुरु, खल टैटो। ते जेड़े आले दुआले आले घर सी डरदे अंदरों बाहर ही ना निकल, कुंडे ही ला ले। ते एक दिन परजापत घुमियार वीर गधे जोड़ के ना रेड़े च मिट्टी लैन जांदा है। जदों उत्थों दी लंघिया ते ओह गधिआं नूं वेख के ओह गधा हिणक पिया जी, ते शेर दी खल मड़ी सी, ते कुदरतों ही उसे दा गधा गवाचिआ सी जिहड़ा मिट्टी लैण चलिआ सी। उहने पछाण लिया वी इह तां आपणा ही है। दो मारे डंडे मूहरे तोर लिया कन्न फड़ के, कहिंदा लै आह पता नहीं किहने शेर दी खल मड़ती है। उहने फड़ के ला लिया मूहरे, ते सारे भजे आउण सच्चे पातशाह आपां तां एवें डरदे रहे।
ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਮੜੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮੜਵਾਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਈ ਡਰ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਧਿਆਂ ਵਰਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰਲਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਦਾ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮਲ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਵਧੂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੱਚਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗਏ ਬੰਗਾਲ ਢਾਕੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਦੋਖ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੂਰ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਜ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪਾਂ ਵੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਪਰ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੈ,
धुंद पै रही है ते उता गरीब अमीर सब नू बराबर लगती है। इसे तरह ब्रह्म ज्ञानी की जिहड़ी दृष्टि है ना भाई ओ गरीब अमीर ते बराबर ही हुंदी है। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एको। महाराज कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा नू जानदा है, बड़ी सहनशीलता वाला हुंदा है, धीरज हुंदा है। ये नहीं भी माड़ी जी गल होगी उई भटक जाना गुण, ओदा मन टिकाओ च हुंदा है। ये गुण जिहड़े थोड़ी दस रहे हैं ना जिहदे विच होण समझ लियो ब्रह्म ज्ञानी है। आखो सतनाम जेड़ा भी माड़ी माड़ी गल ते उत्थे सराप देता उहनू गाला कढ़ तियां उहदे मंगर पै गए अपणियां नू, जां कोई तकड़ा लीडर आ गया उहनू तां बिठा के प्रसाद छकाउणा है ते गरीब नू आयां नू भी मूँह नहीं दिखाउणा। उह ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहा सकदे गुरु। ते गुरु गोबिंद सिंह दा पढ़ लो सारा कुछ लिखिया उहनां। इत्थे हुण महाराज कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी दी दृष्टि एक समान हुंदी है, बड़ी सहनशीलता वाले धीरज वाले हुंदे हन। ज्यों बसदा को खुदे को चंदन लेप। उदाहरण दिती जिवें आ धरती है ना, इहनू कहिंदे चाहे तां कोई पट्टी जावे खोदी जावे, चाहे कोई इहते चंदन दा लेप करी जावे, इहनू कोई फर्क नहीं पैंदा। बीज जिहे जा बीजोंगे ओहे जा फाले ने दे ही देना। आखो सतना ये नहीं भी जे चंदन दा लेप करके कोई मिर्चा बीजे तो उत्थे गन्ने उगे हुण, कदे भी नहीं हुंदा गुरु। जे कि उहनू पट्टी जांदा है खोदी जांदा है वह बीजे इक ते उत्थे अक हो जाए ये कदे भी नहीं हुंदा। धरती का गुण है जिहो जा बीज बीजोंगे ओहे जा फल देना है। एक बीज बीजो तो वध के मिलता है धीरज वाली। हुण अपने ते ला लो, धरती सानू अन्न पैदा करदी है पर आपां अन्न वढ लैने आ मगरों धरती दे सीना छाड़ दिंने। आखो सतनाम ठीक है, साइंस तरक्की कर गई पर इह जे कम ना करिया करो, संभालो अपने आप नू ते वातावरण नू। जदों जीरी वढ के झोना वढ के कणकां वढ के अग्गां लाउने आ ना, नाले तो धरती का सीना सड़ता है, नाले उहदे विच किन्ने जीव जंतु हुंदे आ जिहड़े विच ही मच जांदे आ सड़ जांदे आ। ते जिहड़े अन्न नू गुरबाणी ने भी देवता आखिया अन्न देवता, वह भी सड़दा है। ये भी एक जाने अणजाणे असी गलतियां करदे नाले तो जिहड़ी हवा महाराज कहिंदे पावन गुरु ये भी गंधल जांदी है धूआं धार होके गुरु। धरती सड़दी है कई साह लैण विच मुश्किल हुंदी है, हुण कई दस दस किले जमीन हुंदी है वह अग तां ला दिंदे है पर मोटरसाइकल गड्डियां वालियां नूं लंघना उत्थों दी मुश्किल हो जांदी। जिन्ना कु देखो अपने सारे है उन्ना कु कारज जरूर करना चाहिए, कोशिश करो समाज और वातावरण नूं शुद्ध रखिए। आखो सतनाम। महाराज कहिंदे धरती है इहनूं साड़ो ना भाई, पर आपां साड़ दिंदे आ फिर भी जदों पानी ला के बीज बीजांगे फिर भी फल पैदा कर दिंदी है। इसे तरह ब्रह्म ज्ञानी हन महाराज कहिंदे धीरज वाले ठरमे वाले हुंदे हन। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुणाओ। कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी का यह गुण है की है भला, वो अगे दसदे हन। नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ। कहिंदे जिवें पावक नाम है अग दा, अग दा सुभा है जिहड़ी भी चीज अग विच पै जूगी वो शुद्ध हो जाती है। आखो सतनाम। इसे तरह ब्रह्म ज्ञानी जिहड़े हुंदे है ना भाई जिहड़ा भी उन्हां दी संगत करदा है महाराज कहिंदे उन्हूं भी पवित्र कर दिंदे हन। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। ब्रह्म ज्ञानी तां कहिंदे पवित्रां तों भी पवित्र है। जैसे मैल ना लागे जला। जिवें अपने हत्थां पैरां नूं मिट्टी चिंबड़ जे मैल लग जे, कपड़े नूं मैल लग जे आपां धो लैने आ पर जल नूं मैल नहीं ना लगदी। इसे तरह कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी भी जीवां दी
मैल दूर करदे हन। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगास। ब्रह्म ज्ञानी दे हिरदे अंदर कहंदे परमात्मा वल्लों ज्ञान दा प्रकाश हुंदा है। जैसे तर ऊपर आकाश। कहंदे जिवें धरती दे उत्ते असमान है, चंद्रमा चढ़दा, सूरज चढ़दा, चानण करदे है ना। पर ब्रह्म ज्ञानियां दा चानण ज्ञान दा एदू भी कई गुणा वध हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान। जेड़ा ब्रह्म ज्ञानी है ओनू मित्र भी ते दुश्मन भी बराबरी हुंदे। एक बारी गुरु गोविंद सिंह साहिब दा दरबार सजिया होया। बाबा बीर अमदास जी दर्शन करन चले गए गुरु, जिन्हां दी संगत करके संत बाबा अमरदास जी ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त होए ना, वो बाबा बीर अमदास जी। असल विच उन्हां दा नाम सी रतन दास। पहला इन्हां दा जन्म होया लखनौर, गुरु गोविंद सिंह महाराज दे नानके सी। उत्थे कुछ परिवार लखनौर रहिंदा सी ते बाबा बीर अमदास जी रिश्ते विचों गुरु गोविंद सिंह साहिब दे मामा जी लगदे सी। सके नहीं सी, माता गुजरी जी दे चाचे दे लड़के सी। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। उन्हां ने सोचिया कि साडे भाणजे गोविंद राय दी बड़ी सोभा है, असी भी जाइए। सुने है कि जेड़ा भी जांदा है उन्हूं बख्शां दे के तोर दे। आगे गुरमुख ते जदों आनंदपुर साहिब पहुंचे दरबार सजिया होया। ऐसे तरह एक पासे माइया एक पासे भाई, उच्चे आसन ते गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सुशोभित ने ते अवस्था ऐसी दर्शन करके तन मन शांत हो रहा है। आखो सतनाम। जदों ये बाबा बीरम दास जी रतन दास जी उदों नाम सी, ये गए मत्था टेकिया। महाराज ने पूछा तुसी कौन हो, कितों आए हो? ते वो कहंदे जी मेरा नाम है रतनदास ते मैं रिश्ते विचों थोड़ा मामा लगदा, लखनौर तो आया। क्योंकि थोनू पता होना चाहिए है 7 साल का समा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पटना साहब बीते। उदों बाद श्री आनंदपुर साहब आए, परिवार बहुत घट मिलदा सी। ये कहंदे जी मेरा नाम है रतनदास, मैं रिश्ते च तुहाडा मामा लगदा। जदों इन्ना शब्द कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज आसन तो उठे, भरी संगत दे विच अपने मामा जी दे चरणा ते मत्था टेकिया। पर बचन कोई ना कीता, आप नाल तुरे। कहंदे जी मैं दुख सुख करन आया कि सुने है गुरु तेग बहादुर साहब शहीदी पा। कहंदे आजो जी फिर दुख सुख करना ते माता जी कोले चल दे। माता गुजरी जी दे कोल चले गए ते उन्होंने भी अपने चचेरे भरा रतन दास संत बाबा बीरम दास जी दे नाल काफी दुख सुख सांझा कीता, बचन विलास कीता। काफी समा बैठे रहे, जल पानी छकिया, सेवा बहुत कीती। ते फिर माता गुजरी जी ने पूछिया किवें आना होया। कहिंदे जी मैं सुनिया है कि गुरु दर तो कोई खाली नहीं जांदा, पर गोविंद राय जी ने मैनू तो कोई इस तरह का वचन नहीं किया, मैं तो बख्शिश लैन आया सी। जदों माता जी ने पूछिया ना कि लाल जी मेरे तुसी हो सुपुत्र, पर हो ते गुरु सरबत दे, गुरता गद्दी दे मालक हो, ये तुहाडे मामा जी कुछ बख्शिश लैन आए सी। महाराज कहंदे जे बख्शिश लैन आई दा ना फिर दास बन के आई दा, इत्थे रिश्तेदारियां नहीं चलदियां। आखो सतनाम। कहंदे हुण तां इह मामे बन के आए सी, असीं इन्हां दा सत्कार करता, पर जे बख्शिश लैनी है फिर दास बन के आई दा। आखो सतनाम। जदों इन्नी गल कही ना,
रतन दास जी बाबा बीरम दास जी महापुरख चुप हो गए, फिर नहीं कुछ बोले। माता गुजरी जी कहंदे भरा जी की गल होगी, कहंदे हुण बख्शिश प्राप्त करांगे। ऐसा मन बनिया फाइनली कर ली गल, छड़ दुनिया दा खेड़ा हो फकीर ओए मना, 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 छड़ दुनिया दा छड़ दुनिया दा खेड़ा हो फकीर ओए मना, छड़ दुनिया दा खेड़ा हो फकीर ओए मना, दुनिया दा खेड़ा हो फकीर ओए मना, छड़ दुनिया दा खेड़ा हो फकीर ओए मना। संगत बोलो, कहिंदे ने भगती वल लागे गुरु को। वाहिगुरु परमात्मा दा सिमरन करना, जंगलां विच जाके तप करना। एक बारी समा ऐसा आया समाधि ला के बह गए, शरीर दी भी शुद्ध बुद्ध ना रहे। कुदरतों ही सौण दा महीना, ते सौण दे महीने विच ना इह सियाणे विद्वानां नूं जां बजुर्गां नूं तां पता होणा है, जिहड़े सपने धरती की पड़दा दे कारण खड्डा चो बाहर निकल के फुकारे मारदे, जेड़े उन्हां दे मूंह दे विचों हवा निकलदी है उहदी बनदी है बर्मी गुरमुख। कई फिर योगी उहदा सुरमा भी तैयार करदे, ते बाबा बीरमदास नाम तां पिया सी, इन्नी समाधि पक्की लाती, शरीर की भी शुद्ध बुद्ध ना रही, सप्पा ने फकारे मारने, आले दुआले बर्मी जम गई। आखो सतना वो जेड़ा देखे, फिर जदों चो निकले उथों नाम पिया सी बीरमदास, पहला नाम सी रतनदास। बहुत लंबा समा भगती की, फिर जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहुंचे सी ना हजूर साहब नंदेड़ दी धरती सचखंड श्री हजूर साहिब, उथे अपने आतक बल नाल
महापुरुष बाबा बीरम दास जी नूं बुलाया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, गोदावरी दे कंडे दर्शन दिते। ये कहा सी कि जाओ थोड़ी भगती होगी प्रवान, पहला मामा जी बन के आए सी, हुण सब इच्छा भुला के सिमरन कीता है, हुण गुरु नानक दी कृपा थोड़े ते होगी, जाके पंजाब दी धरती नूं भाग लाओ। आखो सतनाम। बाबा बीरम दास जी ने 321 साल की उम्र को फिर किन्ने ही महापुरख उन्हां दी कृपा दृष्टि नाल ही पैदा होए। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। कोई संप्रदाय ऐसी नहीं जिन्हां दी उत्थे बख्शिश ना होई होवे। पटियाले झिड़ी दे विच बहुत वड्डा तप, ज्यादातर नग्न अवस्था विच रहिंदे सी। जदों महाराज कोले आए उदों भी कल्ला लंगोट ही पहनिया सी, पर ओ संसारी गल्लां तों बाहर हो गए सी। तो बेनती कर रहा सां, ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान गुरु जी कोले आए सन, जे मामा जी बन के आए ते मामा जी आला सत्कार दिता है। ये हुंदा भी मित्र दुश्मन इक्को ही बराबर गए, ये नहीं भी रिश्तेदारां ते वध किरपा करी जानी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਪਰ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਪ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਮੰਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨੀਚ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਛੱਡਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਾਈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਇਆ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਮਾਇਆ ਵਸਤਰ ਫਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਮੈਂ 22-24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਛਕੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ
लंगरां च भी तां जे सेवा ते सिमरन दी भावना नाल बनाया हो। ते बेनती भी है लंगर बनाउण वाले वाहिगुरु का सिमरन करिया करो, किते ना होवे उत्थे भी फलाने दा नूह इदां दी उहदा पुत उदां दा कुड़े तेरा सौल किन्ने दा आया सी सूट कित्थों लियांदा है, इह जिहियां गल्लां करके जे लंगर बनाओगे फिर उह च कोई रस नहीं आउणा। आखो सतनाम इत्थे रस हुंदा सिमरन दा गुरु। ते अकबर बादशाह कहिंदा जी लंगर मैं छकिया ते मेरा तां आत्मा नूं शांति आ गई, मैं खुश हाँ, बाई पिंडां दी जगीर लंगरां दे नाम देनी है। महाराज गुरु अमरदास जी कहिंदे बाकी जिहड़ियां भी सेवावां कीतियां प्रवान है, पर जिहड़ी लंगरां दे नां ते जगीर दे रहे हैं इह नहीं लैणी। कहिंदा जी इन्ना लंगरां दा खर्चा है ते माया कित्थों आएगी। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी कहिंदे इन्हां लंगरां नूं मैं जगीरदारां दे वस नहीं पाउणा, हालांकि तुहाडे विच इहे जे भी दानी पुरश बैठे आ कल्ले कल्ले कि ना गुरु घर बना देण। गुरु महाराज की कृपा है, कल्ले कल्ले लंगर लाउण दी समर्था रखदे हो, पर फिर भी जिहड़ा संगत नूं कहीदा ना वी भाउ आओ हिस्से पाओ, उहदा कारण इह आ गुरु अमरदास दा वचन है। सतगुर कहिंदे इन्हां लंगरां नूं जगीरदारां दे वस नहीं पाउणा, ਇਹ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸੀ ਪੰਜੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੇ ਜਾ ਅੰਨ ਉਹੇ ਜਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਾ ਲਿਓ ਮਨ ਭਟਕ ਜੂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਛਕਾਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੱਸੇ ਪਾਈ ਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੋ ਕੀ ਆ ਤੁਝ ਹੈ ਕਿਆ ਅਰਪੋ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਿੱਸੇ ਪਾਈਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਭਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਜੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਵੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਮਦੇਵੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਛਿੰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਬੋਲਿਓ।
मेरे कलंगी वाले आ गुरुआ अज तैनू मिलन बधाइया जी आही अज कलंगी वाले आ गुरुआ मिल रही बधाइया जी ताही अज कलंगी वाले आ गुरुआ मिल रही बधाइया जी ताही अज कलंगी वाले आ गुरुआ मिल रही बधाइया जी ताही अज कलंगी वाले आ गुरुआ मिल रही बधाइया जी ताही अज कलंगी वाले आ गुरुआ मिल रही बधाइया जी केड़ा सरदार बनाउंदा शिवे ते नाइया जी केड़ा सरदार बनाउंदा शिवे ते नाइया जी मेरे सतगुर ने भी नीवियां नूं उच्चे चुकिया आखो सतनाम कोई वितकरा नहीं है कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी से जन भए नानक जिन प्रभ आप करे जेड़ा गुरु दे बचन सुन के मन लैंदा है वो गुरु दा ही रूप हो जाता है। हालांकि भीम चंद वर्गे राजे कहिंदे सी कहिंदे जी थोड़े सिखां च तां ताकत ही बहुत है पंज घुट पी के तेरे बाटे विचों अमृत उंगलां ते मौत नूं नचावे तेरा खालसा एक मुठ्ठी छक तेरे लंगरां चों छोलियां दी मस्त होए हाथियां नूं ढावे तेरा खालसा तेरे दर दियां इह बोकरां नूं राज जाने ठोकरां नवाबियां नूं मारे तेरा खालसा इह ताकत कादी है गुरु पातशाह कहिंदे भाई इह तां अमृत दी ताकत है कहिंदे जी सानू भी छका दो महाराज कहिंदे छक लो भीमचंद राजा कहिंदा जी अमृत छकण नूं तां असीं तैयार हां पर एक कम करो जिहड़ा निक्कियां मोटियां जातां नूं विच बिठा लैंदे हो ना इह रहिण दिओ ते साडे वास्ते अड अमृत तैयार करो जदों इन्नी गल च कही ते महाराज नूं चढ़िया रोस कहिंदे ओ भीमचंदा नठ जाए इथों तेरे वर्गियां दी गुरु घर च कोई लोड़ नहीं जेड़े वंडियां पाउण आखो सतनाम कहिंदा सोच लो किन्नी मेरी फौज है किन्नी मेरी परजा इत्थों दा मैं मालक हाँ ये सारे थोड़े वंडणगे थोड़ी वोट वध जिवें हुण आ वोटां दा दौर चलदा है सोच समझ के पायो कई बारी असीं हत्थ वढा लैंदे आ मगरों मिन्नतां करन जोगे रह जांदे आ आखो सतनाम लाई चलो धरने जो मर्जी करी चलो गुरु महाराज ने यह नहीं सिखाया भी एवें किसी दे भीख मंगो गुरु समझो कुछ यह हुंदा तां है क्योंकि असी सिखी नहीं संभाली आखो सतना चाहिदा तो यह सी इत्थे बच्चा बच्चा अमृतधारी हुंदा गुरु पर किन्ने कसी केस दाड़ियां रखियां किन्ने कसी अमृतधारी होए किन्नी कसी विद्या पढ़ी जेहो जा गुरु महाराज सानू वेखना चाहते सी ना असी उस राह ते पूरे तुरे नहीं तां साडा अज हाल होया आखो सतनाम नहीं इत्थे कोई गुरु पातशाह की बेअदबी कर जांदा इत्थे धीआं की बेपती हो जांदी साडे हक्कां ते डाके बज जांदे यही आजादी तो गुरु महाराज ने लेके दित्ती सी गुरमुखो साहिब असी नहीं संभालदे पर संभलो महाराज का देखो जिगरा भीमचंद राजा कहिंदा थोड़ी वोट वध जू महाराज कहिंदे मैनू नोट वोट की लोड़ ही नहीं है साडे कोले गुरु नानक की वोट है याद रखी
जिन्हां नूं गरीब निक्कियां मोटियां जातां दसदा है ना, मैं इन्हां नूं ही सरदारियां देनियां। आखो सतनाम। जिनकी जात गोत कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तिन ही को सरदार बनाऊं, तवै गोबिंद सिंह नाम कहां। जे कहा वो कीता भी गुरु, वो करके भी विखाया, सरदारियां बख्शियां, ते अपना भी फर्ज बनता है। भाई प्रबंधकां नूं भी मैं तो बेनती करूंगा, वैसे तो इन्हां दी मर्जी है, पर जदों भी किते प्रोग्राम हुंदा नाल अमृत संचार दा अगे तो जरूर रखिया करो, क्योंकि हुंदा बहाना। गुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत छकाया है, दसदे है भी 84,000 कट्ठ सी गुरु, पर अमृत छकन वाले 5 नितरे, ते अपने चों भी 1, 2, 3, 4, 5, 10 जे कोई गुरु वाला बन गया ना, गुरु दे लड़ लग गया, ये नहीं पता अगे उन्हें किन्ना क होर बूटा सिखी का प्रफुल्लित कर। कोशिश करियो जदों भी समागम हुंदा है, पंज प्यारे साहबाना नूं बुला के अमृत संचार का भी प्रोग्राम जरूर रखिया करो, आले दुआले पिंडां च प्रचार होवे, ताकि संगत गुरु वाली बने। आखो सतनाम। ये कार्य साढ़े सफल हो जाने, मुख मकसद तो यही है ना, कोई गुरु वाला बन जाए गुरु। बेनती प्रवान करियो, ते बाकी जिथे भी किते अमृत संचार हुंदा भाई, जिन्नी संगत बैठे हो ना, आपो अपना मन बनाओ, अमृत छक के गुरु वाले बन जाओ, महाराज दरगाह दे वकील बनते हैं। आखो सतनाम। वखरा ही सत्कार मिलता, सच्चे पातशाह कहिंदे भीम चंदा, जिन्हां दी जात गोत कुल विच कदे सरदारी नहीं सी, मैं उन्हां नूं सरदारियां देनियां, तां जानी गुरु गोबिंद सिंह है। देखो राजयां दी भी परवाह नहीं कीती, ते अज असीं राजनीति रखदे रखदे धर्म भी पैरां च रोलण लग गए। ये बदकिस्मती है कौम दी। जरूर जागो भाई, अपनी होश संभालो, कुछ होश संभाल जरा, सिख कौम दिया सरदारा, कुछ होश संभाल जरा, सिख कौम दिया सरदारा, होश संभाल जरा, सिख कौम दिया सरदारा, कुछ होश संभाल जरा, सिख कौम दिया सरदारा, कुछ होश संभाल जरा, सिख कौम दिया सरदारा, कुछ होश संभाल जरा, सिख कौम दिया सरदारा। क्यों सूरत बदली है मुख तो दाढ़ी केस कटा के, क्यों सूरत बदली है मुख तो दाढ़ी केस कटा के, मसा खरीदी है कौम ने लखा लाल गवा के, सिखी मसा खरीदी है कौम ने लखा लाल गवा के, मसा खरीदी है कौम ने लखा लाल गवा के, सिखी मसा खरीदी है कौम ने लखा लाल गवा के, कोई देग जी उबल रहा, कोई देग
ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਆਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆਹ ਯਾਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਮਾਤਾ ਸੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ ਭਾਈ ਨਗੀਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਹਜੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਗੀਨਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਨੌ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੌ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੋਆਏ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਬ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਭਾਵ ਨੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਹੈ ਪਰ ਨੌ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜੇ ਛਕਾਉਣ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪੈ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 35-40 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਪੈ ਗਈ ਅੱਜ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਆਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਓ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਹੋ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜੰਮ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਧਿਆ ਕਦਰ ਪਈ ਉਹ ਦਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ
छड़िए जी ऐसे प्यारे दा दर कदे न छड़िए जी ऐसे प्यारे दा कदे न छड़िए जी ऐसे प्यारे दा दर कदे न छड़िए जी ऐसे प्यारे दा कदे न छड़िए जी ऐसे प्यारे दा दर कदे न छड़िए जी ऐसे प्यारे दा तेरे केड़े केड़े गुणा नु मैं गावा कृपा नु निवाजण खास करके माइयां नूं जरूर चाहिदा अपने बच्चियां नूं सिख बनाओ, पर कई बारी ये भी हुंदा है कि बच्चे आखे नहीं लगदे। कोशिश करिया करो जिन्ना क चिर धी पुत थोड़े कहने च है उन्ना चिर अपना फर्ज जरूर निभाओ, अगे उहदी किस्मत है। कई बारी ये भी हुंदा है भगत प्रहलाद वांगू कृपा भी हो जाती है आखो सतनाम, ते जे कोई नहीं भी आखे लगदा ना गुरु महाराज दे चरणा च अरदास करिया करो। हुण जमाना वह है लड़ाई झगड़े का समा नहीं रह गया, गुरु अरदास करिया करो सतगुरु जरूर सुनदे। संत बाबा अमरदास जी महापुरश जिन्हां दा जिक्र चल रहा है, पिता की मौत तो बाद 9 साल की उम्र विच मन बना लिया आपा परमेश्वर की भगती ते संतां दी संगत करनी। बाबा वीरमदास महापुरख उन्हां दे डेरे चले गए, उत्थों फिर विद्या पढ़ी गई। विद्या पढ़ के पता लग्या कि जो पढ़िया वेखीए भी कुछ। फिर 18 साल की उम्र जदों होई यात्रा ते तुर पे, काशी भी गए, मथुरा गए, हरिद्वार भी पहुंचे, परमेश्वर की भगती की, पर जाके की वेख्या कुछ विद्वान वह सी जेड़े होमे दे रोगी मिले आखो सतनाम, ते तीर्थां ते वसण वाले भी वह भी होमे दे बोल बोलन भी असियों ही बहुते चंगे आ, बाकी तो दुनिया एवें तुरी फिरदी, मन उत्थे भी ना खड़िया। गुरु देखो तीर्थ ते जाना माड़ा नहीं हुंदा, जरूर जाया करो, पर एक गल पल्ले बन्नियो, पानी दा इशनान कुछ समय वास्ते शरीरक शांति ता दिंदा है, पर भला ता हो जे उत्थों सानू बाणी भी मिले आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु साहब कहिंदे तीर्थ नहावण जाओ जाओ कहिंदे, पर जाण दा फायदा ता है एक चीज वेख लिया करो, तीर्थ नाम है उत्थे कोई नाम हैगा जेड़ा तुसी जप लो ते थोड़ा भला हो सके। इसे करके गुरमत विच कला पानी नू पहल नहीं दिती, जिथे जिथे सरोवर बने नाल नाल गुरबाणी दा भी प्रकाश आया खो सतनाम, क्योंकि भला साडा बाणी नाल होना है, गुरु बाणी नाल जिहड़ी गुरुआं ने बाणी बख्शी ये जरूर जपनी। हुण संत बाबा अमरदास जी महापुरख परमात्मा की भगती करते रहे, फिर पता लग्या कि विच दुनिया सेव कमाई है ता दरग है बैसण पाई, कि उही कम ना रह जे जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने सिद्धा नूं कहा सी, जंगलां च बैठे भगती करदे हो की फायदा, संसार का भला भी करो। फिर बाबा जी चलते चलते गुरमुख प्यारे हो कई थामां तो हुंदे दातारपुर आए, तो उदों पानी की घाट सी कहिंदे उस, क्योंकि हुण तां घरां च टूटियां मोटरां नलके लागे, पुराने बजुर्गां नूं पता है खूह भी
किते किते हुंदा सी। ते खूहां तो पहला ज्यादातर ढाबा हुंदियां सी, जदों किते मीह पैंदे ना मीहां दा पानी सांभ सांभ के रखदे बजुर्ग पुण पुण पींदे सी। आखो सतनाम हुण तां महाराज की कृपा होगी रंग लगे पए है, पर हुण आपां बेकदरी भी ज्यादा करन लगे। कई बारी करना बंदे ने बुरश हुंदा है, डेढ़ दो दी मोटर खुली चली जांदी हुंदी है। महाराज कहिंदे पावन गुरु पानी पिता माता धरत महत, इन्हां दा सत्कार करना बेकदरी ना करो गुरु। आ जदों जाने हो कई बारी ना आम गल्लां देखी दियां घरों जाणगे वी लै भाई आ केस वाहे पए है, लिफाफा लै जा नहर च सिट जी जां पानी च तेर दिओ। ये गुरु की मर्यादा नहीं है। जेडे वाल आ शरीर दे जे उस नहर तो कोई पानी मान लो हुण वाटर बक्स जा रहा है जां उत्थों कोई पशु पंछी भी पी रहा, जदों वाल साडे शरीर दे अंदर जांदा है वह नुकसानदायक होंदा है। रोटी खांदे आ प्रशादा छकदे आ साधु मन्नी कह देंदे आ, जे किते वाल विच आ जाए उत्थे छड्ड देईदी है ना वी वाल आ गया। इस करके ये भी कोशिश करिया करो जदों सिर दे वाल बाहों केस बाहों मूहरे कपड़ा बिछा लो उन्हां वालां दा बाद विच संस्कार कर लै गुरु, वालां दा संस्कार करीदा है। पर असीं जिहड़े पाणी दे स्रोत सी कूड़ा सिट सिट के होर लिफाफे सिट सिट के वह भी गंधलाते गुरु पढ़ी जाने भी पावन गुरु पानी पिता, पर जिथे किते पानी हुंदा है कोशिश करिया करो उनू शुद्ध रखिए उदी संभाल करिए। आखो सतनाम वध तो वध रुख लाने चाहिए। महाराज कृपा करे महापुरशां ने की कीता जदों दतारपुर आए कल्या ने टोभा पटता गुरु, जदों बारिश होई भर गया जल दे नाल पानी दे नाल। तुहानू पता ही है मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसा, जदों पानी मिलिया खुला ते सारे सुखी हो गए। उहनू हुण अमरूदा टोभा कह के भी याद किया जाता है, क्योंकि नाम तुहानू पता ही है माया के है तीन नाम परसा परसू परसरा। उदों कहिंदे अमरूदा टोभा ते उह स्थान की सेवा बाबा जी ने करवाई संगत दे भले वास्ते, कते अखंड पाठ साहिब कते श्री सहज पाठ साहिब होए। इस तरह संसार नूं भाई नाम बाणी नाल जोड़िया। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते गुरबाणी ने कहता भाई हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, तिन की कथा निरारी रे, तिन की कथा निरारी रे, कथा निरारी रे, तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिन की कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिन की कथा निरारी रे। जेड़े सेवक परमात्मा दे बने ते परमेश्वर नु भागे गए उन्हां दी कथा न्यारी है। बरसालपुर भी बाबा जी ने चरण पाए, उत्थे गऊआं दी सेवा संभाल करनी। ते कई बारी आपां कहने आ अवारा गऊआं, गऊआं कदे अवारा नहीं हुंदियां,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਵਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਲਈਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਬਰਸਾਲਪੁਰ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਸੋਨੂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਲਪੁਰ ਨਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਰਨ ਪਾ ਗਏ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਗੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਠੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਖਾਲਸੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਤਕੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂ ਫੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲਾ। ਨਸੀਰਾਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਰ ਬਦਰਦੀਨ ਗੁਰੂ। ਅਮਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
क्योंकि ये पक्की गल है जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा भी मालक दे दर ते आया मेरे सतगुर ने उनू खाली नहीं मोड़िया हुण सैद खां जरनैल लाओ लश्कर फौजा लैके आ रहे है ते आउंदा आउंदा सढौरे चलिया कहिंदा किन्ना समा हो गया औरंगजेब दे हुक्म नाल जंग युद्ध लड़दे रह गए मेरी भैन दे दो पुत मारे गए ते मैथों तां दुख सुख भी सांझा नहीं होया हुण जांदा जांदा दुख सुख सांझा कर क्योंकि जदों साढ़े चार साल का समा पौंटा साहब की धरती से गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बतीत उत्थे पंघाणी का युद्ध होया सी उदों कुछ पठान इदां दे सी जेडे पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह की फौज भर्ती कराते पर जदों जंग का बजिया बिजल उदों भज गए गुरमुख ते पीर बुद्धू शाह नूं इस गल दा दुख लग्या सी कहिंदा मैं बंदे भर्ती कराए ते मौके ते ओह गुरु महाराज दा पल्ला छड्ड के भज गए फिर 735 सेवक ते चारे अपने पुत्रां नूं लैके पीर बुद्धू शाह पंघाणी दे युद्ध च हाजिर हो गया सी सत श्री अकाल जदों उत्थे युद्ध होया सी 700 दे विच्चों 335 चेला पीर बुद्धू शाह दा शहीद होया ते दो पुत्र उत्थे शहीद हो गए जिदे करके महाराज ने कहा सी पीर जी थोड़ी बहुत वड्डी कुरबानी है दसो की चाहिए मंगो ते महाराज उदों कंघा करके दस्तार सजा रहे सी पीर बुद्धू शाह ने कहा सी महाराज जे कुछ देना चाहुंदे हो ना आ केसा समेत कंघा दे दो जेड़े केसा नू कट कट के आपां नालियां च जां कट्टण वालिआं दे पैरां च रोलदे इहनां दी कीमत सुण लो 335 सेवक दो पुत शहीद करा के जदों महाराज कहिंदे उहनां दा तुहानूं कुछ देना चाहुंदे आ कहिंदा केसा समेत कंघा ही दे दो महाराज कहिंदे कोई राज भाग मंगदे जमीन जायदाद मंगदे इहनां दा की करोंगे ते पीर जी कहिंदे सच्चे सतगुर जदों मैं इहनां नूं वेखांगा ते मैनूं थोड़ी याद आ जाया करू आखो सतनाम श्री वाहेगुरु थोड़ी याद पल्ले है ते होर कुछ नहीं चाहीदा महाराज जी कहिंदे सतगुर ने जिहड़ी दस्तार सजाउणी सी उहनूं फिर अद्धी पाड़ के इक सरोपा तां दित्ता सी महंत कृपाल दास उदासी जी एक सरोपा पीर बुद्धू शाह बदरदीन जी ने दिता है केसा समेत कंघा दिता सी तख्त श्री केसगढ़ आनंदपुर साहब हुण भी पिया गुरमुख जाके करो दर्शन वह वड्डी कुरबानी सी ते सैद खां जिहड़ा फौजां लैके आ रहे है वह सढौरे जदों गया पीर बुद्धू शाह जी किते होर गए हुए ते अपनी भैण नूं मिलिया सैद खां जरनैल कहिंदा भैणे मैं जांदा सी औरंगजेब दे हुक्म नाल युद्ध लड़न ते मैं सोचिया मेरी भैन दे दो पुत मारे गए जांदा जांदा दुख सुखी कर जा
बहुत माड़ा होया, पर जवानी की उम्र च तेरे दो पुत मारे गए। ते भैन नसीरा पीर बुद्धू शाह दे घर वाली कहिंदी कोई माड़ा नहीं होया। माड़ा तां ओह मन्नीए जे बच्चे जीवन नूं दागी करके कोई कलंकत हो के मरन, उन्हां नूं रोना भी चाहीदा। पर मेरे पुत देश कौम दे भले खातर शहीद होए आया खो सतनाम। चल कहिंदी मेरियां दी छड, इन्नियां फौजां लैके लाओ लश्कर लैके तू किधर जा रहा दसखा भला। कहिंदा मैनू कानू पुछदी आ, दो चार दिनां नूं आपे ही पता लग जू। कहिंदी ऐसा की करन जा रहा है। कहिंदा जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह किसे तो काबू नहीं सी आउंदा, मैं उहनूं फड़न जाणा, जिउंदा जां मुरदा लियाऊं फड़ के दो चार दिनां नूं मेरे नां दी डंकी वजणी आ सारे पासे। जदों भैण नसीरा ने सुनिया अंदरों अंदरी बहुत रोई, आखो सतनाम। ते फिर कह भी दिता, कहिंदी वीर तैनू मिलिया सरकारी थापड़ा, तुहानू पता ही आ जिहनू मिल जाए फिर कोई अपने आप च समा सकदा, बेकाबू हो जांदा काम गा, ये चीज ही इहो जी है। कहिंदी तैनू मिलिया सरकारी थापड़ा, ये दुनिया दे झूठे बादशाह ने, पर अज जिधर तू जा रहा उत्थे सच्चे पातशाह ने। मेरी मन वापस मुड़ जा, गुरु गोबिंद सिंह नाल लड़ना ठीक नहीं है। कहिंदा मेरा हौसला ना डुला, भैण है मेरी वड्डी, सगों आशीर्वाद दे, मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं जिउंदा जां मुरदा बन के लियाउणा। भैण नसीरा कहिंदी मेरा आशीर्वाद है, बन्नेगा तां जरूर, पर गुरु गोबिंद सिंह नूं नहीं बन सकदा, मेरे गुरु मूहरे तू हथ बन्नेगा, आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। असल विच ना वो जुड़ी हुई सी अंदरों, भावें मुसलमान सी पर श्रद्धा सी। एक गल ये भी याद रखियो, मनो जिहनूं मर्जी असीं नहीं कहिंदे, पर जिहड़ा जिहड़ा कोई भी है, चाहे राजा है चाहे कोई फकीर है किसे मजहब दा सी, जिहड़ा गुरु घर नाल जुड़ गया उहदी सोभा तां होरां नालों वखरी है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मुसलमानां दे पीर पूजनीक बहुत ने, पर जिहड़ा सत्कार महापुरश भीखण शाह जी दा है, बाबा फरीद जी दा है, जां पीर बुद्धू शाह जी दा होया, उह होरां दा थोड़ी हो गया। गुरमुख हिंदू वीरां दे विच पैगंबर बहुत होए, सब दा सत्कार है, पर जेड़ा अदब सत्कार भाई मती दास जी दा, भाई सती दास जी दा होया है, जां महाराज जयदेव जी दा होया है, उह होरां दा थोड़ी हो गया। कितने सिखां च भी बहुत गुरसिख होए, पर जेड़े गुरु दा बचन कमा गए उन्हां दी जय जयकार है, जेड़े गुरु दा बचन भुल गए उन्हां दा उह सत्कार नहीं होया। गुरु परिवारां च भी देख लो, जिहड़ा सत्कार श्री गुरु हरकृष्ण जी दा होया है वह राम राय दा नहीं हो सकिया, आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। इस करके भाई बेनती करांगे, गुरु बाणी पढ़ो, गुरु घर दे पल्ले लग जाओ, कलयुग दे समें विच भला हो जू। हुण भैण नसीरा कहिंदी वीर मेरी बेनती है जा ना। कहिंदा मैं तां जरूर जाऊंगा, मन्निया ना। तुरपिया फौजा लैके उधरों भैण ने अरदास कीती सी भी सच्चे पातशाह असीं तां गुरु घर दे शरधालू हाँ, पर जे साडी सेवा प्रवान है ना, मेरे वीर नूं मारियो ना, इहनूं तार दिओ। आपां भी जे सच्चियों ही भला चाहुंदे आ ना, इह अरदास करिया करो, मालका जे साडी कीती सेवा कीता होया सिमरन तैनूं मंजूर है, इहदा फल उहनां दी झोली पा जिहड़े कुराहे जा रहे, तां कि उह वी अगे नूं संसार दा भला कर सकन। गुरु नानक जी दी सोच इही सी, निकौडे राक्ष तों सज्जन ठग तों किहड़ा कुछ मंगिया सी, अपनी कमाई अपना नाम झोली उहनां दी पाया गया। इत्थे आओ जी ने सच्चियों ही भला चाहुंदे, भैण दी अरदास ऐसी सुनी लो। हुण समां बहुत थोड़ा, क्योंकि महापुरश होर भी पहुंच चुके हैं। भैण ने कीती अरदास, सतगुर दे दर ते होई प्रवान, सैद खां जरनैल फौजा लैके
पहुंचिया श्री आनंदपुर साहब नू घेरा पा के बैठा गुरु। बहुत लंबा घेरा ते राजे महाराजे बैठे ताश खेडी जांदे। सैद खां जरनैल नू कहंदे भी आपां आ तां गए फड़ लांगे। कहंदा जे किते मेरे सामने आ गया ना गुरु गोबिंद, सीधा ही बोलिया माफी दिओ, क्योंकि वो विरोधी सी, उन्हें किहड़ा सत्कार देना सी। कहंदा फिर पता लगू, मैं तां कहूंगा भी लोकां दे पुत क्यों मरवाउणे आ, सीधे ही ना दो हथ करिए। हजे सोचदे ही सी इन्ने नू इक तीर आया जिहड़े पलंग ते बैठे सी उहदे पावे च जा वज्जी। नाल चिट्ठी बन्नी होई, सैद खां जे मैनू तेरे पलंग दा पावा दिसदा है, दिसदी तेरी छाती भी है, यह तीर मैं तेरी छाती च भी मार सकदा सी, पर थोड़े परिवार की सेवा ते कुर्बानी बड़ी है, मैं चाहना सियाना बन जा। आखो सतनाम कानू मनना सी, कहिंदा करामाती होना गुरु, डरावंदा सन। दूजा तीर फेर आया, वह चिट्ठी च लिखिया ये करामात नहीं, ये मेरी मेहनत का नतीजा। अगले दिन जंग युद्ध शुरू होया है, ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज छेड़ के घोड़ा सीधे ही सैद खां जरनैल दे सामने आके खड़े हो गए। कहिंदे वार कर लै, मन च चा ना रह जी। अगे जंग युद्ध होंदे ते वार वारी सिर कीते जांदे सी, पर जदों महाराज का तप तेज वेखिया, बस फिर केड़ी निकलनी सी तलवार, केड़े चलने सी तीर, हथ कंब गए। मुड़को मुड़की हो गया महाराज नू वेख के, सतगुर ने हथ चो तलवार फड़ ली। कहिंदे तलवार तां बहुत सोहनी चलाउंदा हुण तक, पर समां तेरा ऐसा आ गया, आ फड़ माला, भजन करिया कर। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु सत श्री अकाल। इहनू मारिया नहीं, वड्डा भजनीक बनाया। वह ताकत कित्थों आई, यह फल किहदा मिलिया? हालांकि आपां तां कहिंदे आ अड़े सो झड़े, शरण पवे सो तरे, यह अड़न आया फिर भी इहनू तारिया है। वह एक इहदी भैण दी कीती अरदास दा फल सी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सो इस करके भाई अरदास करिया करो, यह वड्डी ताकत है। विद्या पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो, चंगी मेहनत करो, माया भी कमा लो, सोहने कपड़े पाओ। महाराज ने सानू सरदारियां बख्शियां, सरदार बन के रहना है। पर ऐसा ना होवे अपने सुखां दी खातर किसी दूजियां नू असी दुख दिंदे रहिए, यही गुरु घर की मर्यादा है। लो इन्नी की बेनती कर लियो प्रवान। सारी ही संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े प्रेम अदब सत्कार नाल बैठ के आप जी ने सुनिया। सो संत बाबा अमरदास जी महापुरख ब्रह्म ज्ञानी, इन्हां दी याद विच जो समागम होया है, नौजवान सभा पिंड कोटली अते गुरु घर की प्रबंधक कमेटी, समूह साध संगत, इलाका निवासी संगतां सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद, जिहड़े पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी धन धन संत बाबा अमरदास जी की याद विच हर साल ही प्रोग्राम कराने। बहाने नाल कोई ना कोई जुड़ जाता है, दो चार पांच सत्त जिन्हें भी जुड़ गए, वो फल भाई थानू भी मिलना है, क्योंकि थोड़े करके होए। इस करके वध चढ़ के यह जे प्रोग्रामा विच आपो अपना योगदान पा के अगे नू होर भी वध चढ़ के चढ़दी कला नाल समागम करने है। सो जिथे प्रबंधक कमेटी का, नौजवान सभा का धन्यवाद है, मैं अपने वालों मिस्त्री सोनू जी और सूबेदार पाल सिंह जी इन्हां दा भी धन्यवाद करदा, जिन्हां करके आप संगत दे दर्शन करन दा सानू मौका मिलिया। कुटान कोट वार धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, होर जिन्हें भी गुणी ज्ञानी महापुरख पहुँचे, कथावाचक रागी ढाडी सिंह कीर्तनी जथे, सारिआं दा धन्यवाद। महाराज ने सेवा बख्शी है, एक मन चित होकर संगतां नू गुरु करन वास्ते जोड़न वास्ते आपां भाई रल मिल के योगदान पाउणा है। सो इन्नी बेनती प्रवान करियो, सारी संगत का धन्यवाद करता होया जथे समेत होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा मंगदा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।